हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ऑनियन के पकौड़े। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑनियन को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो मैंने सारे ऑनियन के टुकड़े कट कर लिए हैं लंबे लंबे। इसके बाद हाथों की हेल्प से इस तरह से एक एक पीस को अलग अलग कर लेना है। और इसके बाद इसमें एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, और अभी मैं इसमें डाल दूँगी नमक स्वाद अनुसार, और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और अभी मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन। ठीक है, तो मैंने बेसन डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लो, और फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी थोड़ा ही ऐड करना है, फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है, और पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो थोड़ा ऐड करना। ठीक है, इसके बाद देखो बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई ले लो, उसमें डाल दो तेल। तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लो। उसके बाद हाथों की हेल्प से बैटर को तेल में छोड़ देना है। तो देखो मैं जिस तरह कर रही हूँ उसी तरह आपको भी कर लेना है, और गैस की फ्लेम को लो ही रखना। लो फ्लेम पे पकौड़ा बनाओगे तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनता है, और खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लगता है। तो ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है। देखो, फिर इसके बाद इसको 2 मिनट रहने देना, और फिर इसको इस तरह से अलग अलग कर लेना, नहीं तो फिर ऑनियन छुट्टे हो जाएंगे तेल में। ओके, तो देखो ये इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इसको पलट लेंगे ताकि ये नीचे से भी और ऊपर से एकदम अच्छे से सिक जाए, और ये बहुत ही क्रिस्पी और बनेंगे ऐसे पकौड़े बनाऊंगी तो। तो अभी हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, पकौड़ा हमारे अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। गाइस देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। तो इसी तरह मैंने एक और डाल दिया है पकौड़े का बैटर तेल में आपको दिखाने के लिए। तो इसी तरह देखो थोड़ी देर रखना है तेल में, उसके बाद ही इसको पलटना, नहीं तो ऑनियन छुट्टे हो जाएंगे, ये बात याद रखना। ओके, तो देखो मैंने अभी इसको पलट लेती हूँ पूरे बैटर पकौड़े को। तो इसी तरह आपको भी कर लेना है, और ये वाले पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना ये वाली रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैंने सारे पकौड़े को एक प्लेट में ले लिया है, और ये देखो कितना अच्छा इसका कलर आया, पूरा गोल्डन ब्राउन, और ये कितना इसका लुक देखो गाइस कैसा अलग ही लग रहा है। तो इसको अभी हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप चाहिए तो टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो, चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, आपको जिसको साथ जिसके साथ पसंद है उसके साथ सर्व करो। मैं तो इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, और ये अंदर से देखो कैसे मस्त बने हैं। मैं आपको एक और पीस बताती हूँ। तो मैंने इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर दिया, और अभी हम गर्मा गर्म इसको खा लेंगे। मैं आपको एक दूसरा पीस भी बता देती हूँ, देखो ये कितना अच्छा बनता है। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना, जब भी आपको भूख लगे तो आप ये वाले रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये देखो कितना अच्छा बना है ऑनियन का पकौड़ा, बहुत ही मज़ा आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।